जय हिंद दोस्तों, मैं दिनेश कुमार निराला आप लोग के बीच फिजिक्स के एक बहुत ही मजेदार चैप्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन लेकर आया हूँ। अक्सर ये चैप्टर स्टूडेंट को बिहार बोर्ड में मैट्रिकुलेशन के फर्स्ट चैप्टर के रूप में पढ़ने होते हैं। सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए भी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फर्स्ट चैप्टर फिजिक्स में ही पढ़ना है। तो सबसे पहले हम जानेंगे आज के क्लास में कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है। ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है, दैट मीन्स प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन कहते किसे है? तो जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर परावर्तित हो जाती है, जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर परावर्तित हो जाती है तो ये जो घटना है ये प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ऐसे प्रकाश की किरण किसी सतह से टकरा के परावर्तित होती है तो यह प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ठीक उसी प्रकार आप लोग को बचपन की एक कहानी याद होगी कि हम लोग जैसे खाली कमरा जब होता था तो हम लोग कमरे में जाकर आवाज करते थे और वो आवाज हमें बार बार सुनाई देने को मिलता था, जिसको प्रतिध्वनि कहते हैं। यानी एक ही आवाज किसी सतह से टकराकर परावर्तित तो होकर हमारे कानों में बार बार सुनाई देना, वो ध्वनि का परावर्तन कहलाती है, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कहलाता है। तो चलिए इसी के साथ हम आपको और इसमें बार बार एक चीज जो कॉमन आ रही है वो है लाइट। तो अब समझेंगे हम कि लाइट क्या है, प्रकाश क्या है। तो प्रकाश क्या है इसको समझाने के लिए हम आपके सामने एक छोटा सा स्ट्रक्चर लेते हैं। प्रकाश देखेंगे दोस्तों आप लोग कि प्रकाश एक भौतिक माध्यम है। प्रकाश जो है वो एक भौतिक माध्यम है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। जो आप देख रहे हैं लाइट, ये एक भौतिक माध्यम है जिसके सहारे हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। देखने की अनुभूति होती है, यानी कि देखने का एहसास होता है। कहने का मतलब यह है कि बिना प्रकाश के हम किसी वस्तु को देख नहीं सकते। जहां प्रकाश है वही के वस्तु को वही उसी वहां के जो ऑब्जेक्ट है उसे देख पाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि प्रकाश, अगर डिफिनेशन के तौर पे हम जानेंगे तो प्रकाश क्या है, तो प्रकाश वह भौतिक माध्यम है जिससे किसी वस्तु को देखने की अनुभूति या एहसास होता है, उसे प्रकाश कहते हैं। सबसे अधिक प्रकाश की चाल एयर में होता है या वैकम में, वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक मानी जाती है, जिसकी स्पीड जो होती है वो 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी कि स्पीड, प्रकाश की जो स्पीड होगी वो स्पीड होता है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, या इसी को हम किलोमीटर में निकालेंगे तो 3×10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको एक और बात बताऊं कि सबसे बड़ा जो प्रकाश का स्रोत है वो सूर्य को कहा गया है, और प्रकाश एक ऊर्जा के रूप में हमें प्राप्त होती है, प्रकाश से ऊर्जा मिलती है, सबसे बड़ा प्रकाश का स्रोत। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में अच्छे अच्छे कंपटीशन में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपके लिए बहुत ही लाभदायक हो जाएगा कि प्रकाश क्या है। तो ऊर्जा है, प्रकाश एक भौतिक माध्यम है, सबसे बड़ा प्रकाश का स्रोत सूर्य को कहा गया है, सबसे अधिक प्रकाश की चाल वायु या निर्वात में होती है। तो सवाल ये उठता है, सर वायु तो समझ रहे, एयर को बोलेंगे, निर्वात यानी वैकम क्या है? तो जहां कुछ ना हो उस स्थान को उस स्थान में वायु भरा होता है, किंतु जहां वायु भी ना हो उस जगह को निर्वात स्थान कहते हैं, है कि नहीं? तो वैकम एरिया कहा जाता है। तो सबसे अधिक प्रकाश की चाल वही निर्वात में होती है और वायु में होता है, जो कि हम आपको बोल दिए हैं कि वायु और निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, और यदि किलोमीटर में बात करेंगे तो 10⁵ हो जाएगा, 3×10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड। दोस्तों तो ये सवाल तो ठीक है कि भाई प्रकाश क्या है ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन
आप सर आपने बताया है कि हम किसी वस्तु को देखते हैं तो देखने में हेल्प करता है प्रकाश, तो क्वेश्चन ये बनता है कि प्रकाश से के माध्यम से किसी वस्तु को देख कैसे पाते। बहुत सरल सी बात है कि अगर किसी वस्तु को हमें देखना है प्रकाश की मदद से, तो उसके देखने के लिए हम एक आपको इमेज के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। इसके लिए सपोज मान लीजिए ये आप जो देख रहे हैं सूर्य का प्रकाश, ये सूर्य सन, ये जो सूर्य है इसे सोर्स ऑफ लाइट, दुनिया का सबसे बड़ा सोर्स ऑफ लाइट सूर्य को ही कहा जाता है, जो प्रकाश को रिड्यूस करती। वैसे जलता हुआ जितने भी पदार्थ है, जलती हुई बल्ब, जलती हुई मोमबत्ती, जलता हुआ लालटेन, जलता हुआ दीपक, ये सारा जो है सोर्स ऑफ लाइट ही है, प्रकाश का स्रोत ही इसको कहते हैं। किंतु सबसे बड़ा प्रकाश का स्रोत सूर्य को माना जाता है, क्योंकि इससे पृथ्वी पर अधिक मात्रा में प्रकाश जो है कि सूर्य से ही प्राप्त होता है। तो ये हो गया सोर्स ऑफ लाइट सन। ये यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में हम ट्री ले लेंगे। तो जैसे सूर्य का प्रकाश जो है सूर्य से निकलकर इस पौधे पर पड़ती है, और ये पौधा से, ये जो प्लांट आप देख रहे हैं, यहां से रिफ्लेक्ट होके किसी व्यक्ति के आंखों में आता है, यानी प्रेक्षक के आंखों में आता है, तभी हम इस पौधे को देख पाते हैं। यानी कि मदद किया, मदद किया कौन, तो सूर्य का प्रकाश। माध्यम बना कौन, तो ये सूर्य के प्रकाश से, ये जो सूर्य के प्रकाश और इस पेड़ के बीच में जो एयर है, यहां एयर का माध्यम बन रहा है एयर, और फिर ये पौधे से टकरा के जो ये बस व्यक्ति के आंखों में आती है, यहां भी छुपा हुआ है एयर वायु। तो ये जो एयर है, इस एयर को कहा जाएगा प्रकाशीय माध्यम। इस एयर को बोलेंगे प्रकाशीय माध्यम, यानी कि वह माध्यम जिससे होकर प्रकाश वस्तु से निकलकर हमारे आंखों तक पहुंचती, वह माध्यम यानी वायु, वैसा माध्यम जिससे होकर प्रकाश वस्तु से निकलकर हमारे आंखों तक पहुंचती है, वैसे माध्यम को प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। वैसे माध्यम को कौन प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। और ये प्रकाशीय माध्यम दो प्रकार के होते हैं, समान माध्यम और विषमान माध्यम। जहां का गुण और बनावट समान हो, जैसे यहाँ वायु है तो समान रूप से है, तो इसको समांगी माध्यम कहेंगे या समान माध्यम कहेंगे, होमोजीनियस मीडियम कहेंगे, है कि नहीं। और जहां का गुण और बनावट समान न हो उसे विषमांगी माध्यम कहेंगे। यानी कि मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं दोस्तों, मैंने आज के एपिसोड में आपको बताया क्या कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। तो प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर परावर्तित हो जाती है, यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। प्रकाश के परावर्तन का पहला टॉपिक था प्रकाश क्या है, जिसमें हमने आपको बताया है कि प्रकाश वह भौतिक माध्यम है जिससे हमें किसी वस्तु को देखे जाने की अनुभूति या एहसास होता है, उसे प्रकाश कहते हैं। प्रकाश से किसी वस्तु को हम देख पाते हैं, और देखने के लिए एक माध्यम बनता है जिस माध्यम को प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। जैसे कि हम इस पौधे को देख रहे हैं, ये देखिए यहाँ एक व्यक्ति है जो पौधे को देख रहा है, कैसे, तो प्रकाश इस हवा के माध्यम से इस वस्तु पर आया, ऑब्जेक्ट पर आया, और वस्तु से टकराकर इस व्यक्ति के आंखों में गया। और जैसे इस व्यक्ति के आंखों में प्रकाश जाता है, तो जाते ही ये व्यक्ति इस पौधे को देख पाता है। अब समझ रहे हैं, तो ये जो देखने के लिए जो माध्यम बना है, वो देखने के लिए माध्यम कौन बना, एयर। अगर बीच में कहता है या वायु न रह के यहाँ एक दीवाल घेर दिया जाता, दीवाल के उस पार पौधे होते, तो क्या ये आंख देख पाता, नहीं देख पाता। इसीलिए देखने का यहाँ जो माध्यम बना है देखने के लिए, तो वो माध्यम प्रकाशीय माध्यम कहलाएगा। प्रकाशीय माध्यम के रूप में यहाँ एयर भी हो सकता है, कांच की प्लेट भी हो सकती है, बर्फ का शिला भी हो सकता है, शुद्ध जल भी हो सकता है। इसीलिए प्रकाशीय माध्यम दो प्रकार के, अगर हम समान रूप से किसी व्यक्ति को देखते हैं, समान रूप से देखते हैं, तो वो समांगी माध्यम कहलाता है। यानी कि वैसा माध्यम जिसके प्रत्येक भाग का गुण और बनावट समान हो, ऐसे माध्यम को समांगी माध्यम कहते हैं। समांगी माध्यम में आते हैं
तो एयर आता है, कांच आता है भैया, शुद्ध जल भी ले सकते हैं। और इसके अलावा मैं विश्रमांगी माध्यम की बात करूं तो वैसा माध्यम जिससे होकर प्रकाश वस्तु से निकलकर हमारे आंखों तक पहुंचती है, जिसकी उसके गुण और बनावट समान नहीं होते। जैसे गंदा जल, घिसा हुआ कांच, थीन पेपर, तेल लगा हुआ कागज, ये कोहरा, धुआं, इसके गुण और बनावट समान नहीं होते। ऐसे माध्यम को विश्रमांगी माध्यम कहते हैं, जिससे होते वस्तु तो दिखाई देती है किंतु वे धुंधली दिखाई देती है। इसी के साथ मैं प्रकाश में और आपको आगे की ओर लेकर चलूंगा। प्रकाश में आपको जानना है किरण, है ना, प्रकाश किस रूप से आती है। तो प्रकाश भी जो है कि एक पथ के माध्यम से आते हैं, एक रास्ते के रूप में आते हैं, जिस रास्ते को क्या कहा जाता है, प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको मैं यहां दिखा रहा हूं दोस्तों, प्रकाश जो आती है उसकी एक दिशा होता है, अपना एक डायरेक्शन होता है, जिस डायरेक्शन के माध्यम से, जिस दिशा के माध्यम से प्रकाश किसी प्रकाशीय स्रोत से वह किसी पिंड तक, किसी वस्तु तक पहुंच पाती है। तो वैसा माध्यम, यानी कि आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि किरण क्या है या व्हाट डू यू मीन बाय रे, तो वहां पे हम यहां बता सकते हैं कि प्रकाश के गमन पथ की दिशा को, अ डायरेक्शन ऑफ लाइट दैट इज नोन एज रे, प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। और किरण एक है तो किरण, किंतु किरण एक साथ कई समूह में आते हैं। तो किरण जब समूह में आएंगे, किरणों का समूह जो बनेगा, वो किरणों का समूह किरण पुंज कहलाएगा, है ना। यानी कि किरण पुंज क्या है, बीम क्या है, तो बीम कहते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेज दैट इज नोन एज बीम, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। और ये तीन प्रकार के होते हैं, एक पैरेलल बीम, दूसरा है कन्वर्जिंग बीम, और तीसरा है डाइवर्जिंग बीम। यानी कि किरण पुंज के तीन प्रकार है भाई, पहला समानांतर किरण पुंज, दूसरा अभिसारी किरण पुंज, और तीसरा अपसारी किरण पुंज। जब एक दूसरे के समानांतर गमन करने वाली किरणों के समूह को, देखिए यहां पर जितने भी किरण है वो एक दूसरे के पैरेलल गमन कर रहे हैं, एक दूसरे के समानांतर गमन करने वाली किरणों के समूह को समानांतर किरण पुंज कहते हैं। किसी एक बिंदु पर एकत्रित होने वाले, किसी एक बिंदु पे एकत्रित होने वाले किरणों के समूह को, एक बिंदु पर एकत्रित होने वाले किरणों के समूह को कन्वर्जिंग बीम या इसी को अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। अभिसारी मतलब क्या होता है, पहले अभी इसको समझते हैं। अभिसारी, अभिसारी मतलब होता है अभिसरित होना, अभिसारी मतलब अभिसरित होना, और अभिसरित होना यानी एकत्रित होना। अभिसरित को ही क्या कहेंगे, एकत्रित होना। यानी कि जब प्रकाश की बहुत सारी किरणें, जब प्रकाश की बहुत सारी किरणें एक बिंदु पर एकत्रित हो, ऐसे किरणों के समूह को अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। किसी एक बिंदु पर एकत्रित होने वाली किरणों के समूह को अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। अपसारी किरण पुंज, डाइवर्जिंग बीम क्या है, यानी किसी एक बिंदु से जब बहुत किरणें फैलेगी, अपसारी किरण पुंज का मतलब कि किसी एक बिंदु से किरणों का फैल जाना, पसर जाना, अपसारी किरण पुंज कहलाएगा। यानी किसी एक बिंदु से फैलने वाली किरणों का समूह अपसारी किरण पुंज कहलाता है। ठीक है, एक बार मैं इस बीम को फिर से क्लियर कर रहा हूं। मैंने बोला क्या कि प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं, किरणों का समूह किरण पुंज कहलाता है। किरण पुंज तीन प्रकार के हैं, फर्स्ट समानांतर किरण पुंज, सेकेंड अभिसारी किरण पुंज, और थर्ड अपसारी किरण पुंज। एक दूसरे के समानांतर गमन करने वाली
किरणों का समूह, समानांतर किरण कुछ है, किसी एक बिंदु पे एकत्रित होने वाली किरणों के समूह को अभिसारी किरण कुंज कहते हैं और किसी एक बिंदु से फैलने वाली किरणों के समूह को अपसारी किरण कुंज कहते हैं। यदि दोस्तों आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें, और यदि ऐसा ही वीडियो आप लोग चाहते हैं कि बोर्ड के एग्जाम के लिए आपको हेल्पफुल मिले तो आप बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, जिससे आपको हर एक टॉपिक का टॉपिक वाइज हम आपको जो है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और इससे जुड़े आपके सिलेबस से जुड़े तमाम टॉपिक का एक एक करके वीडियो डालेंगे, जिससे आपको जो है घर बैठे बैठे भी तैयारी हो सकती है। तो बेल आइकन को दबाना ना भूलें। फिर मिलते हैं, जय हिंद।